Hello everyone, I'm Supriya and a warm welcome on this online platform of WinIAS. तो आज से हम शुरू करेंगे, जैसे कि आपको स्लाइड में भी दिख रहा होगा टाइटल, मध्य प्रदेश द हार्ट ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया। तो आज से हम पढ़ना शुरू करेंगे मध्य प्रदेश विद द अप्रोच ऑफ MPPSC। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हम अपनी फर्स्ट स्लाइड से शुरू करते हैं। जैसे कि वैसे तो इसमें पढ़ाने लायक कुछ नहीं है, आपको दिख ही रहा होगा मध्य प्रदेश एज अ टाइटल एंड हार्ट ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया एज अ सब टाइटल। तो ये मैंने क्यों ऐड किया है, डू यू नो? तो जो हार्ट ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया, आपको मैप में भी जैसे दिख रहा होगा, ये देखिए MP इज लोकेटेड इन द वेरी सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है? तो इसीलिए हम इसको कहते हैं द हार्ट ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया या फिर हृदय प्रदेश, ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स लोकेशन। तो ये जो सब टाइटल है इसको हमको याद रखना है। क्यों रखना है? दिस विल हेल्प अस इन इंट्रोडक्शन ऑफ आर आंसर इन मेंस या फिर कंक्लूजन इन आर आंसर ऑफ मेंस। टूरिज्म में हम इसको ऐड कर सकते हैं इन एनी वे। ओके, सो ये छोटी छोटी चीज़ें हमको अवॉइड नहीं करते चलनी है, छोटी छोटी चीज़ें भी हमको अपने साथ लेके चलनी है। ओके, ठीक है, तो हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। ये देखिए, अब अगर हम मध्य प्रदेश पढ़ रहे हैं तो हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, सिलेबस और स्ट्रेटजी। मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बताऊँगी कि मैं आपको मध्य प्रदेश किस अप्रोच के साथ और किस तरीके से आगे एक्सप्लेन करने वाली हूँ, ठीक है? मध्य प्रदेश एज अ स्टेट तो हमको पता है, पर मध्य प्रदेश एज अ सब्जेक्ट, उसमें हमको कितने एस्पेक्ट्स पढ़ने हैं मध्य प्रदेश के और कितने नहीं पढ़ने हैं। लाइक वैसे तो हमारे सिलेबस में ऑलमोस्ट सारा मध्य प्रदेश कवर होता है, लेकिन MPPSC ने अब जो नया सिलेबस चेंज हुआ उसने उसमें अलग से डिफाइन वे में सारे टॉपिक्स को डिफ्रेंशिएट कर दिया, स्पेशली विथ मध्य प्रदेश। हिस्ट्री में मध्य प्रदेश के अलग टॉपिक्स ऐड कर दिए हैं, ज्योग्राफी में, इन एवरी पेपर। ओके, तो अब हमको ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा ईजी हो चुका है, तो इसीलिए हम सबसे पहले सिलेबस भी देख लेंगे और उसको आगे कंटिन्यू करने की स्ट्रेटजी भी देख लेंगे, ठीक है? तो जैसे कि हम यहाँ पर लिखा हुआ है पेपर 1 पार्ट A, ठीक है? तो पेपर 1 कौन सा है, पता है ना हमको? GS 1 है ना, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, ठीक है? पार्ट A कौन सा है, जिसमें पार्ट A में आती है हिस्ट्री, ठीक है? अब हिस्ट्री कौन सी आती है, इंडियन हिस्ट्री तो हमको पता है, इंडियन हिस्ट्री तो एज अ इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट हम पढ़ते ही हैं, लेकिन यहाँ थर्ड यूनिट से अगर हम देखें तो थर्ड यूनिट से हमको समझ में आता है कि मध्य प्रदेश का इंडिविजुअल और इंडिपेंडेंट मेंशन हमको देखने को मिलता है MPPSC के सिलेबस में, ठीक है? ये लोगों को मैंने इसीलिए लगाया हुआ है साथ में, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का, कि ये पूरा MPPSC के अकॉर्डिंग कवर करना है हमको मध्य प्रदेश, ठीक है? तो रीऑर्गेनाइजेशन यूनिट थर्ड में हमको देखने को मिलता है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स, फॉर्मेशन ऑफ मध्य प्रदेश, ठीक है? तो हम देखेंगे कि आज मध्य प्रदेश 2022 में जिस भी स्थिति में है, जितने डिस्ट्रिक्ट्स, जितने डिवीजन्स के साथ, तो यहाँ तक आखिर कोर्स क्या रहा है मध्य प्रदेश का, ठीक है? सबसे पहले तो हम ये देख लेंगे, उसके बाद हम अपनी दूसरी वीडियोस में देख लेंगे यूनिट 4 के टॉपिक्स, जैसे कि इंडिपेंडेंस मूवमेंट इन मध्य प्रदेश, ठीक है? इंडिपेंडेंस मूवमेंट से क्या समझते हैं आप, जैसे कि हम इंडिपेंडेंस मूवमेंट से स्टार्ट बेसिकली, वैसे तो पुराना है, लेकिन अगर हम जो मेजर टर्निंग पॉइंट कह सकते हैं तो वो हम क्या है, रिवॉल्ट ऑफ 1857, ठीक है? क्या है, रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो हम इससे स्टार्ट करके जो 1947 में हमारी इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला, तो इस दौरान का जो कोर्स है उसको हम इंडिपेंडेंस मूवमेंट कंसीडर करते हैं। तो मध्य प्रदेश में ये जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट है ये कैसे चला, ठीक है? तो हमको ये पढ़ना है। उसके बाद इंडियन कल्चरल हेरिटेज, ठीक है, इंडियन कल्चरल हेरिटेज पढ़ना है, लेकिन उन्हें अलग से स्पेसिफाई किया हुआ है कि स्पेशल रेफरेंस टू मध्य प्रदेश, ठीक है? तो हमको मध्य प्रदेश का पूरा कल्चरल हेरिटेज पढ़ना है। कल्चरल हेरिटेज में आपको पता ही है क्या क्या आता है, ठीक है? आर्ट फॉर्म्स, ड्रामास, ये अलग से भी उन्होंने मेंशन किया हुआ है, बाकी कल्चरल हेरिटेज में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है? मतलब जो भी इंपॉर्टेंट है ना, ड्रामास, लिटरेचर, फेस्टिवल्स से नीचे वाले पॉइंट में आपको मेंशन मिलते ही हैं, सारी साइट्स है ना, हेरिटेज बिल्डिंग्स जो हैं, और भी व्हाटएवर द कल्चर ऑफ इंडिया एंड मध्य प्रदेश इज,
ये सारा इस टॉपिक में हम कवर कर लेंगे, ठीक है। इंडिया का नहीं कवर करेंगे हम, मध्य प्रदेश का ही स्पेसिफिकली कवर करेंगे, ठीक है। उसके बाद सेलेंट एस्पेक्ट्स ऑफ आर्ट फॉर्म्स, लिटरेचर, फेस्टिवल्स, आर्किटेक्चर फ्रॉम एंशियंट टू मॉडर्न टाइम्स, ठीक है। एंशियंट टाइम से मॉडर्न टाइम तक क्या क्या चेंजेस आए हैं, क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं आर्ट फॉर्म्स में, लिटरेचर में, फेस्टिवल्स में, आर्किटेक्चर में, ये सारी चीज़ें भी हम देखेंगे, ठीक है। और जैसे कि हमको पता है कि एमपी इज़ अ लाइक इज अ स्टेट हैविंग हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ठीक है। एसटी की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। और हमको ये भी पता है कि जो ट्राइबल आर्ट एंड कल्चर होता है वो बहुत रिच होता है, ठीक है। तो इसीलिए जो ये वाला टॉपिक है, दिस विल गोना बी लाइक द मोस्ट इंटरेस्टिंग वन, जब हम आर्ट फॉर्म्स पढ़ेंगे, इनकी फेस्टिवल्स पढ़ेंगे, काफ़ी रिच टॉपिक है। तो आई वॉन्ट यू टू लाइक स्टडी इट विथ अटमोस्ट इंटरेस्ट, ओके। उसके बाद क्या है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन मध्य प्रदेश एंड टूरिज्म, ठीक है। ये तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है, क्योंकि आप मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर, मतलब मेजॉरिटी ऑफ द पीपल बिलोंग फ्रॉम मध्य प्रदेश ओनली, तो कहीं ना कहीं से तो आप बिलोंग करते ही हो, तो आपको टूरिज्म का काफ़ी कुछ आइडिया रहता है। हम एज अ रेसिडेंट या फिर एज अ नॉर्मल ह्यूमन, हम लोग कहीं पे भी टूरिज्म में घूमने जाते हैं या कहीं जाते हैं, तो हम उस प्रस्पेक्टिव से नहीं देखते कोई भी जगह को। लेकिन जब व्हेन यू स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर एमपीपीएससी ना, तो आप हर एटलीस्ट मध्य प्रदेश में तो जितनी भी जगह है, तो वहाँ का टूरिज्म आप एक विथ लाइक कह सकते हैं कि डिफरेंट प्रस्पेक्टिव से देखना चालू कर देते हैं, ठीक है। कि यहाँ पे ओ दिस डायनेस्टी वॉज रिलेटेड टू दिस प्लेस, या फिर ऐसे करके। तो इसीलिए ये टॉपिक भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, ठीक है। उसके बाद चलेंगे हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। एक और यूनिट है, कौन सी यूनिट है, यूनिट 5, ठीक है। कौन सी यूनिट है, यूनिट 5। यूनिट 5 में क्या दिया है, डायनेस्टीज ऑफ मध्य प्रदेश, ये ने अलग से मेंशन कर दिया है। ये डायनेस्टीज हम पहले जब 2019 वाला जो सिलेबस था, तब हम इतना इसको डिटेल में नहीं पढ़ते थे, लेकिन अब अगर इन्हें अलग से मेंशन किया है, तो ऑब्वियसली वी हैव टू स्टडी इट इन लाइक विथ ऑल इट्स एस्पेक्ट्स, ठीक है। बघेली, होलकर, सिंधिया से दूसरे पॉइंट में आ गया है, भोपाल स्टेट फ्रॉम बिगनिंग टिल इंडिपेंडेंस, ठीक है। हमें पता है कि 1956 में भोपाल मर्ज हुआ था, ठीक है। तो ये देखना है। और ये लास्ट पॉइंट क्या हुआ है, विथ इन जोग्राफिक रेफरेंस ऑफ प्रेजेंट मध्य प्रदेश, ये इन्हें क्यों मेंशन किया है, क्योंकि जब ये डायनेस्टीज स्टार्ट हुई, या इनकी जो हिस्ट्री है वो स्टार्ट हुई थी व्हेन मध्य प्रदेश वाज नॉट डिवाइडेड विथ लाइक मध्य प्रदेश वाज नॉट डिवाइडेड इनटू छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश इंडिपेंडेंटली, ठीक है। तो इसीलिए इनने हमको अलग से मेंशन किया हुआ है कि जो आज मध्य प्रदेश है, सिर्फ हमको उसके रेफरेंस में ये सारी चीज़ें पढ़नी है, नॉट विद द रेफरेंस ऑफ छत्तीसगढ़, ठीक है। तो ये हमको समझ आ चुका है सिलेबस और स्ट्रैटेजी। इस तरीके से हम अपना मध्य प्रदेश एज अ सब्जेक्ट विद द अप्रोच ऑफ एमपीपीएससी कवर करने वाले हैं, ओके। एक बार फिर से देख लीजिए सारा सिलेबस, ठीक है। तो आज का हमारा जो मेन टॉपिक रहेगा, वो फर्स्ट टॉपिक ही रहेगा, ऑब्वियसली रिऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ मध्य प्रदेश, ठीक है। तो हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। देखिए, बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ मध्य प्रदेश, नॉट एज अ स्टूडेंट ऑफ एमपीपीएससी, नॉट एज अ एस्पिरेंट ऑफ एनी सिविल सर्विस और एनी एग्जाम, जस्ट एज अ रेसिडेंट ऑफ मध्य प्रदेश, ये जो बेसिक इंट्रोडक्शन है ये आपको आना चाहिए, ठीक है, अपने स्टेट के बारे में एटलीस्ट। ये बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें, ये आपको पता होनी ही होनी चाहिए। पहली कौन सी चीज़ हो गई, हमारी डेट ऑफ फॉर्मेशन, कब बना है मध्य प्रदेश। हर साल सेलिब्रेट करते हैं ना मध्य प्रदेश स्थापना दिवस, कब करते हैं, तो हम करते हैं मध्य प्रदेश स्थापना दिवस सेलिब्रेट 1 नवंबर को। क्यों, क्योंकि 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश वॉज फॉर्म्ड, ठीक है। रीऑर्गेनाइजेशन जो एक्ट आया था उसके बाद मध्य प्रदेश 1 नवंबर 1956 को फॉर्म हुआ है, ठीक है। उसके बाद लोकेशन देखें, लोकेशन में क्या देखना है हमको, हमने अपनी फर्स्ट स्लाइड में ही देखा था, क्या देखा था हमने अपनी फर्स्ट स्लाइड में, ये देखिए, हार्ट ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया, दैट इज मध्य प्रदेश इज लोकेटेड इन द सेंट्रल पार्ट, ओके। तो लोकेशन में हमको ये देख लेना है कि मध्य प्रदेश कहाँ लोकेटेड है, ठीक है, सेंट्रली लोकेटेड है, ठीक है। और क्या है लोकेशन में, लोकेशन में हमको ये देख लेना है कि कितने स्टेट से सराउंड होती है इसकी बाउंड्री, तो 5 स्टेट से अपनी बाउंड्री टच करता है, ठीक है। ये भी हम देख लेंगे डिटेल में कि यूपी, राजस्थान, साउथ ईस्ट में छत्तीसगढ़, ठीक है,
साउथ बाउंड्री अपनी, ये सदर्न बाउंड्री अपनी, ये महाराष्ट्र शेयर करता है, सबसे लंबी गुजरात से भी शेयर करता है, सबसे लंबी बाउंड्री किससे शेयर करती है मध्य प्रदेश की, दैट इज उत्तर प्रदेश, किससे कितने डिस्ट्रिक्ट शेयर होते हैं, क्योंकि ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, मेन्स में भी आपको बहुत इफेक्ट ना करें इनका नॉलेज, लेकिन प्रिलिम्स में ये क्वेश्चन बहुत मैटर करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये हमको देखनी है, एरिया, एरिया क्यों देखना है हमको मध्य प्रदेश का, क्योंकि अभी अभी एरिया मध्य प्रदेश का कितना इन नंबर्स में भी याद होना चाहिए, ठीक है, भले कितना भी फैक्चुअल है लेकिन हमको याद होना चाहिए कितना है, 308252 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। क्यों याद होना चाहिए, क्योंकि वैन मध्य प्रदेश वॉज नॉट डिवाइडेड ना बिटवीन मध्य प्रदेश इंडिविजुअली एंड छत्तीसगढ़, तो मध्य प्रदेश वॉज दी फर्स्ट, लाइक इट रैंक्स फर्स्ट इन इंडिया इन एरिया वाइज, ठीक है। बट जब डिवीजन हुआ छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का, जब वो डिवाइड हुए उसके बाद अब मध्य प्रदेश के एरिया में कितनी रैंक है, एरिया वाइज मध्य प्रदेश इज दी सेकेंड लार्जेस्ट स्टेट, ठीक है। इसीलिए हमको एरिया भी पता होना चाहिए एमपी का, उसके बाद पॉपुलेशन, पॉपुलेशन वाइज मध्य प्रदेश की क्या रैंक है ये पता होनी चाहिए, मतलब बेसिकली हमको इसमें सेंसिस देखना है, ठीक है। सेंसिस, अब एज ए एमपीपीसी स्टूडेंट ऑब्वियसली यू विल गो फॉर सेंसिस, बट इन जनरल यू शुड नो कि पॉपुलेशन कितनी क्या है, अराउंड 7.26 करोड़ अराउंड है इसकी पॉपुलेशन, लेकिन एज ए एमपीपीसी स्टूडेंट आपको क्या पूरा सेंसिस रटा होना चाहिए 2011 वाला, ठीक है। 2021 में जो सेंसस का आने वाला था वो तो कोविड की वजह से डिले हो चुका है, तो अभी तो हम वी आर गोइंग विद द 2011 सेंसस, तो ये हमको पता होना चाहिए एसटी पॉपुलेशन कहाँ है सबसे ज़्यादा, कितना परसेंटेज है, रूरल पॉपुलेशन कितनी है, अर्बन पॉपुलेशन कितनी है, ठीक है, और भी सारी चीज़ें, ठीक है, पॉपुलेशन लिटरेसी कितनी है, ये सारी चीज़ें सेंसस में कवर हो जाएंगी बेसिकली। तो सेंसस तो हमको देखना है, एक वीडियो हम सेंसस पे भी कर लेंगे अपना एडिशनल, ठीक है, भले अलग से मेंशन हो ना हो, लेकिन वील गो फॉर सेंसिस बिकॉज दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। प्रिलिम्स में तो इसका बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, ओके। निक नेम्स, निक नेम्स वाई दे आर इंपॉर्टेंट, दे आर इंपॉर्टेंट टू इन्हेंस योर आंसर इन नेम्स, ठीक है। जैसे कि मैंने पहली स्लाइड में आपको बताया था, क्या बताया था मैंने पहली स्लाइड में कि वेट, मैंने पहली स्लाइड में आपको बताया था कि हार्ट ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया, ठीक है, हार्ट ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया मध्य प्रदेश का निकनेम बताया था मैंने, ऐसे मध्य प्रदेश के बहुत सारे निकनेम्स हैं, उसको हम निकनेम्स और जो मोनोपोली है इन दोनों को साथ में पढ़ लेंगे। क्यों पढ़ लेंगे साथ में, क्योंकि देखो बहुत ही ऑब्वियस सी बात है, जिन जिन चीज़ों की मध्य प्रदेश के पास मोनोपोली होगी या फिर जिनमें वो उसकी रैंक हायर होगी फर्स्ट सेकेंड जो भी वॉट एवर, उसका ही उसके ही बेसिस पे मध्य प्रदेश को निकनेम दिया जाएगा, ठीक है। तो मोनोपोली कौन कौन सी है मध्य प्रदेश के पास, हमको पता है कि ये डायमंड स्टेट है, ठीक है, सबसे हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर यहाँ पर है, ठीक है, टाइगर स्टेट का टाइटल तो इसको 2018 में ही मिल चुका था, अब इसको कौन कौन से टाइटल मिल गए हैं, अब इसको वोल्फ स्टेट और लेपर्ड स्टेट का टाइटल भी मिल गया है, ठीक है। इसीलिए और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि सोया स्टेट है, और इंदौर हम रह रहे हैं तो हमको पता ही है इंदौर इज़ द क्लीनेस्ट सिटी, तो ये सारी ही चीज़ें हमको पता होनी चाहिए, क्योंकि इफ वेन वील लाइक वेन वील स्टार्ट एन आंसर इन मेन्स, जैसे कि एमपी टूरिज्म का कोई आप आंसर स्टार्ट करते हो, इंदौर के कोई टूरिज्म के बारे में पूछ लिया, तो इंदौर इज़ द क्लीनेस्ट सिटी, ये पॉइंट तो मतलब मैंडेटरी हो जाता है आपको मेंशन करना, आप इससे कंक्लूड कर सकते हो कि ये गवर्नमेंट ने स्टेप्स उठाए हैं या फिर ये चल रहा है यहाँ पे, ये रिच डाइवर्सिटी है, उसके बाद कंक्लूड आप इससे कर सकते हो कि हमको देखने को मिलता है कि इट इज़ द क्लीनेस्ट सिटी, है ना, गवर्नमेंट के एफर्ट्स आर लाइक कैन बी सीन इन दिस काइंड, है ना, ऐसे हम इसको देख सकते हैं। उसके बाद क्या हो गया है, सिंबल्स ऑफ मध्य प्रदेश, देखिए ये तो मेंस के किसी टॉपिक में पर्टिकुलरली कवर नहीं होता, होते कोई भी टॉपिक उठाएंगे तो उसमें बीच में आ जाएंगी चीज़ें, लेकिन ये आप बेटर है किसी भी बुक से या एमपी गवर्नमेंट की साइट से एक बार आप देख लें, एमपी गवर्नमेंट की साइट इज द मोस्ट ऑथराइज वन, वाई, क्योंकि एमपी गवर्नमेंट है वो तो गलत भी लिखेंगे स्टिल दे मीन इट, ठीक है, वो उसी को कंसिडर सही करेंगे, इसीलिए जितने भी ये कोई भी बेसिक सी जो इंफॉर्मेशन होती है, आई विल सजेस्ट यू टू गो टू द वेबसाइट ऑफ एमपी गवर्नमेंट, ठीक है, एमपीटी, एमपी गवर्नमेंट, ये सारी साइट्स आप रेगुलर गो थ्रू करा करें, क्योंकि इनमें काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, जैसे टूरिज्म के बारे में भी काफ़ी कुछ कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें दी हुई हैं, है ना, पर्टिकुलर स्टेट या डिस्ट्रिक्ट की आप देखोगे, एमपी गवर्नमेंट की बहुत अच्छी अच्छी साइट्स हैं, जैसे कि मैं आपको बताऊँ एक ODOP एक स्कीम है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, मध्य प्रदेश की स्कीम है ये, इसमें हर डिस्ट्रिक्ट से
एक प्रोडक्ट सिलेक्ट होगा जिसको जिस प्रोडक्ट के बेसिस पे उस डिस्ट्रिक्ट को, पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट को उसका मैन्युफैक्चरर या फिर एक्सपोर्टर बना, एक्सपोर्ट पे मेनली फोकस है कि उस प्रोडक्ट में उसको इतना अच्छा कर दिया जाएगा कि वहाँ से चीज़ें वही प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट होने लगे। ठीक है, तो इसके लिए इन्होंने पता क्या किया है, दे हैव डिज़ाइन अ साइट जिसमें एमपी का पूरा मैप बना हुआ है। ठीक है, उस मैप में सारे डिस्ट्रिक्ट्स के नाम लिखे हुए हैं। आप किसी भी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट पे क्लिक करेंगे तो यूल सी कि कौन सा जो प्रोडक्ट है उन्होंने सिलेक्ट करा है। तो बहुत सिंपल सा है, बट दिस इज अ इनोवेटिव स्टेप, तो ऐसे इंटरेस्ट आता है, तो ऐसी चीज़ें आप देखते रहा करें, आई सजेस्ट यू। ओके, तो ये हमने बेसिक इंट्रोडक्शन मध्य प्रदेश का देख लिया है। ये देखिए मैंने फोटोज़ भी ऐड करी हुई हैं कि ये बनियान ट्री है जो इसका स्टेट ट्री है, ये बारहसिंगा है ना, और ये पैराडाइज फ्लाई कैचर। ठीक है, तो ऐसे ऐसी चीज़ें आप फोटोज़ के थ्रू भी देखेंगे तो आपके माइंड में ज़्यादा टाइम तक स्टे करेंगे, आपको याद हो जाएंगे बेटर से। तो ये तो जो जनरलाइज से फैक्ट है, ये प्लीज़ आप देख लें। ठीक है, चलिए हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। ठीक है, हाँ जी, तो क्या है फॉर्मेशन ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, ये क्या रहेगा आज का हमारा पहला टॉपिक, और आपको मैप से और ये फोटो से ही सारा समझ आ रहा होगा कैसे कि 1947 से 1956 में व्हाट वाज मध्य प्रदेश, हमको तीन हाइट्स में देखना है। ठीक है, 1947 से 56, उसके बाद 56 से 2000, उसके बाद 2000 से टिल टुडे। ठीक है, तो हमको मध्य प्रदेश का जो कोर्स है वो इस तरीके से देखना है। मैप से भी आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है, कि 1947 में व्हेन इंडिया गॉट इट्स इंडिपेंडेंस, तब से जब तक मध्य प्रदेश रीऑर्गेनाइज नहीं हुआ है, या फिर 1 नवंबर 1956 को जो हमको पता है कि मध्य प्रदेश स्थापना दिवस मनाते हैं, मध्य प्रदेश केम इन टू एग्जिस्टेंस एज अ इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी, तब तक मध्य प्रदेश का मैप क्या था, मध्य प्रदेश में क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड थी, कौन कौन सी चीज़ें एक्सक्लूडेड थी। ठीक है, तो ये हम आपको मैप से ही समझ में आ रहा है, जब डिटेल में देखेंगे तो मैं आपको बताऊंगी कौन सा पार्ट क्या था। उसके बाद सेकेंड हम देखेंगे कि 1956 के बाद और सारा पार्ट तो हट गया था, बट छत्तीसगढ़ वॉज इन टू मध्य प्रदेश। ठीक है, और उसके बाद 2000 में छत्तीसगढ़ भी मध्य प्रदेश से डिवाइड हो गया है, तो अब मध्य प्रदेश का मैप ये है। दो ऐसा नहीं है कि 2000 के बाद मध्य प्रदेश में चेंजेस नहीं हुए, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स बने हैं, ठीक है, और बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, लेकिन वो चेंजेस इंटरनली हुए हैं, इसकी बॉर्डर्स में चेंजेस नहीं हुए, इंटरनली इसकी बॉर्डर इधर उधर करी है, बॉर्डर्स भी नहीं कह सकते, डिस्ट्रिक्ट्स ही फॉर्म हुए हैं बस। ठीक है, बस इतना हुआ है। ठीक है, तो ये हम इन तीनों हेड्स पे देख लेंगे इन डिटेल, विल सी, तो वील गो टू आर नेक्स्ट स्लाइड। ये देखिए, अब आपको ये सोच रहे होंगे कि मैंने सिर्फ ईयर ईयर लिख दिए हैं, वॉट इज दिस, है ना, और साइड में एमबी का मैप बना दिया है, हाउ एनी वन कैन अंडरस्टैंड विद दिस। तो हम एक एक पर्टिकुलर ईयर में क्या क्या हुआ है, ठीक है, ऐसे याद करेंगे। सबसे पहले तो आप ईयर्स देख लीजिए, 1947, सॉरी 1953, 1956, 1972, 80, 1998, 2000, 2003, 2008, 2013, 2018। ठीक है, ये सारे ईयर्स की अब हम पर्टिकुलर डिटेल देखेंगे। कैसे देखेंगे, अब देखिए 1947 में क्या हुआ है। ठीक है, 1947 में क्या हुआ है, या फिर मध्य प्रदेश किस स्थिति में था, ये देखना है आपको। ठीक है, अब हम ये कहाँ देखेंगे, ये हम यही साइड में देख लेंगे, वील देन वील इरेज इट। ओके, तो 1947 में देखो, प्रीवियस स्लाइड में अगर आपको देखने को समझ आता है, मैं आपको पहले मैप से समझा देती हूँ, फिर लिख के समझा दूंगी। ठीक है, अगर हम इस मैप के अकॉर्डिंग देखें तो पहले हम इसको इरेज कर देते हैं, दैट विल बी बेटर। ठीक है, तो अगर हम ये देखें तो देखिए, मध्य प्रदेश वॉज, मध्य प्रदेश का मैप ये था। ठीक है, क्या क्या था मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश वॉज डिवाइडेड इंटू थ्री पार्ट्स। ठीक है, कब, 1947 के टाइम पर। कौन कौन से थ्री पार्ट्स थे ये देखने हैं हमको। देखिए, पहला था पार्ट ए, ठीक है, दूसरा था पार्ट बी, और तीसरा था हमारा पार्ट सी, और भोपाल जो था हमारा वो था इंडिपेंडेंट स्टेट, इसीलिए हम उसको अलग लिखते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि पार्ट ए कौन सा था। ये जो मध्य प्रदेश का साउथ वाला रीजन है ना, ये दिस रीजन, इसको कहते थे हम सेंट्रल प्रोविंस, बरार, विदर्भ।
ठीक है, ये जो तीनों जगहों वाला रीजन था ये, ठीक है, जो महाराष्ट्र से बॉर्डर टच होती है, मतलब टच क्या होती है, बाद में आधे से डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में ही चले गए थे, लेकिन अभी हम देख सकते हैं कि अभी जो नीचे वाला पार्ट है ना, बैतूल छिंदवाड़ा वाला पार्ट, तो वो वाला, उसके नीचे वाला जो पार्ट था वो था पार्ट ए, ठीक है। इसको, इसका नाम क्या था, सेंट्रल प्रोविंस या बरार या विदर्भ, ठीक है। इसके साथ साथ हम इसके हेड्स भी देखते जाएंगे, उसके कैपिटल्स भी देखते जाएंगे, ठीक है। अब हमें पता है इसका कैपिटल, ये साउथ वाला पार्ट है, इसका कैपिटल क्या था, इसका कैपिटल था नागपुर, ठीक है। इफ़ यू वॉन्ट टू राइट इट डाउन आप लिख सकते हैं, बाकी देर विल बी अ PDF अवेलेबल, ठीक है। तो इसका कैपिटल क्या था, नागपुर इसका कैपिटल था, ठीक है। उसके बाद इसके हेड कौन थे, हेड हम इसीलिए देखते जाएंगे, और इसके जो स्पेशली देखना है क्योंकि पंडित रविशंकर शुक्ल जो थे वो इसके हेड थे, कौन थे, पंडित रविशंकर शुक्ल, ठीक है। मैं बोल रही हूँ, मैं लिखने में आई एम नॉट टू मच इंटू, ठीक है, इसीलिए आप देखते जाएं सुनते जाएं, ठीक है। तो पंडित रविशंकर शुक्ल इसके हेड थे, इनको हमको क्यों देखना है, क्योंकि ये हमारे पहले CM भी बने हुए थे, ठीक है, इसीलिए ये भी याद रखना है, ठीक है। उसके बाद इसको रिलीज कर देते हैं। अब हम देखेंगे पार्ट बी, ठीक है, जो पार्ट बी कौन सा था, दिस वॉज द पार्ट बी, ठीक है, कौन सा था ये पार्ट बी, क्या कहते थे इसको, पार्ट बी वॉज सेंट्रल इंडिया, ठीक है, मध्य भारत। और इसका कैपिटल क्या था, इसके दो कैपिटल्स थे, ठीक है, कौन कौन से इसके दो कैपिटल्स थे, ग्वालियर और इंदौर। दो कैपिटल्स क्यों थे, ग्वालियर वॉज द विंटर कैपिटल एंड इंदौर वॉज द समर कैपिटल, ठीक है, क्योंकि हमको पता है कि ग्वालियर में गर्मी बहुत ज़्यादा है, बिकॉज ऑल दिस वेदर कंडीशन, यू नो दैट, तो इसीलिए ग्वालियर को विंटर कैपिटल और इंदौर को समर कैपिटल, 6-6 मंथ में शिफ्ट हो जाते थे, ठीक है। और इसके हेड कौन थे, इसके हेड थे लीलाधर सेठ, ठीक है, इलेक्टेड हेड कह सकते हैं कि हम सिर्फ इलेक्टेड हेड देख रहे हैं, स्टेट हेड्स भी थे लेकिन इलेक्टेड हेड बस हमको याद रखने हैं, ठीक है। उसके बाद कौन सा पार्ट था, पार्ट सी, पार्ट सी में क्या आता था, विंध्य प्रदेश और बुंदेलखंड का एरिया भी हम कह सकते हैं किसी में आ जाता था, तो जो बुंदेलखंड का राइस है ना उसको भी पार्ट सी में ही इंक्लूड कर लेते थे। तो और इसका कैपिटल क्या था, पार्ट सी का कैपिटल था, यहाँ लिख देती हूँ मैं, पार्ट सी का कैपिटल था रीवा, ठीक है, पार्ट सी का कैपिटल था क्या था, पार्ट सी का कैपिटल रीवा, ठीक है, ओके। उसके बाद भोपाल, तुमको पता ही है कि भोपाल वॉज द इंडिपेंडेंट स्टेट इन बिटवीन, ठीक है, तो भोपाल क्या था, इंडिपेंडेंट स्टेट था। तो दिस वॉज द होल सिनारियो ऑफ मध्य प्रदेश इन 1947, ठीक है, देख लिया हमने 1947 में। यहाँ पे मैं फिर से एक बार लिख देती हूँ क्या क्या था, तीन चीज़ें थी, तीन पार्ट्स में डिवाइडेड था, पार्ट ए पार्ट बी, डोंट गो फॉर राइटिंग प्लीज, पार्ट सी एंड भोपाल, ठीक है, याद रखेंगे। 1953 मैंने क्यों लिखा है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश का रीऑर्गेनाइजेशन कैसे हुआ, ठीक है, उस टाइम पे तो मध्य प्रदेश वॉज नॉट अ आइडेंटिटी, मध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश भी नहीं बोलते थे इवन, ठीक है, इसको सेंट्रल प्रोविंस ऐसे करके कुछ बोलते थे, यूनाइटेड प्रोविंस एंड दैट वाज सेंट्रल प्रोविंस, इट वाज कॉल्ड सेंट्रल प्रोविंस, ठीक है। तो मध्य प्रदेश कैसे बना है ये देखना है हमको, तो पूरी इसकी जर्नी। तो 1953 में क्या हुआ, 1953 में हमको पता है कि अगर हम पैन इंडिया देखें तो पैन इंडिया मूवमेंट हुई थी, दैट इज आंध्र प्रदेश बना था एक स्टेट। ये क्यों मैटर करता है, क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये लिंग्विस्टिक बेसिस पे बना था, ठीक है, ये याद रखना है, किस बेसिस पे आंध्र प्रदेश का फॉर्मेशन हुआ था, लिंग्विस्टिक बेसिस पे। क्यों याद रखना है, क्योंकि इसी की वजह से दूसरे स्टेट्स ने डिमांड चालू कर दी थी टू रीऑर्गेनाइज दम, ठीक है। तो 1953 में आंध्र प्रदेश बना लिंग्विस्टिक बेसिस पे। फिर मध्य प्रदेश में 1953 में क्या हुआ, मध्य प्रदेश में 1953 में मध्य प्रदेश ने भी डिमांड करी। उसके बाद मध्य प्रदेश में क्या हुआ, 1953 में एक कमीशन बनी, कौन सी कमीशन बनी, आई विल रेज दिस फर्स्ट, मध्य प्रदेश में बनी 1953 में कमीशन फजल अली, ठीक है, ये कमीशन बनी, ये 3 मेंबर कमीशन थी, ठीक है, और इसमें 3 मेंबर कौन थे, इंपॉर्टेंट है याद रखने हैं, ठीक है, तीन मतलब 2 मेंबर, एक तो फजल अली खुद थे, एक थे हृदय नाथ कुंजरू और दूसरे थे के एम पन्नीकर, ठीक है। ये कमीशन 1953 में बन गई। अब इनने क्या करा, इनने 1952 55 मैंने मेंशन नहीं किया है क्योंकि आपको बस याद रख लेना
1955 में ने अपनी रिपोर्ट जो थी वो सौंपी। उसके बाद उस रिकमेंडेशन रिपोर्ट के बेसिस पे स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट बना। कब? 1956 में बना एक्ट, ठीक है। और 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश उस रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बेसिस पे फॉर्म हो गया, ठीक है। अब मैंने बस बहुत ही सिंपल बता दिया आपको कि मध्य प्रदेश 1 नवंबर 1956 को फॉर्म हो गया है, लेकिन कैसे फॉर्म हुआ है ये देखना है आपको। हमने देखा था ना पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, ठीक है। उनका मर्जर हुआ है। मर्जर मतलब ये नहीं कि जितने भी पार्ट से उनको मिला लिया गया। हाँ, हुआ क्या है कि कुछ डिस्ट्रिक्ट एक्सक्लूड करे हैं हमने, कुछ इंक्लूड करे हैं, ठीक है। तो हमको देखने हैं वही कि कौन से डिस्ट्रिक्ट एक्सक्लूड और कौन से डिस्ट्रिक्ट इंक्लूड करें, ठीक है। इसको रेज करते हैं। और हम आज के मैप से तो नहीं समझ पाएंगे, लेकिन फिर भी प्लीज ट्राई कि जो ये नीचे वाला पार्ट था ना, हमने देखा था है ना, ये वाला पार्ट था है ना, सीपी वाला पार्ट। तो यहाँ के 8 डिस्ट्रिक्ट जो थे सेंट्रल प्रोविंस पार्ट ए के, वो हमने क्या करे, बॉम्बे, उस टाइम का जो इमीडिएट बॉम्बे स्टेट था उसको दे दिए, ठीक है। मध्य प्रदेश ने क्या करा, 8 मराठी स्पीकिंग डिस्ट्रिक्ट, ये याद रखना है, मराठी स्पीकिंग डिस्ट्रिक्ट थे ये, इसीलिए हमने महाराष्ट्र को दे दिए। ये चेंज हुआ है पार्ट ए में, ठीक है। और क्या हुआ है उसके बाद, ये वाला जो पार्ट ए बी था, पार्ट बी कौन सा था, सेंट्रल इंडिया वाला पार्ट था ना, ये वाला पार्ट है ना, इसमें हमने क्या चेंज लाया है, इसमें हमने ये चेंज लाया है कि हमारा जो मंदसौर था ये इसका एक सुनील टप्पा तहसील था, ठीक है। इसका सुनील टप्पा तहसील था, यहाँ से राजस्थान की बॉर्डर टच होती है, तो वो उसकी बॉर्डर राजस्थान से टच होती थी, तो ये जो सुनील टप्पा तहसील था ये हमने राजस्थान को दे दिया, ठीक है। मंदसौर का तहसील था, ये भी याद रखना है, ठीक है। और क्या चेंज हुआ है पार्ट ए बी में, और एक और चेंज हुआ है कि जो विदिशा है ना, इस विदिशा में हमने यहाँ का सिरोंज, राजस्थान के कोटा से सिरोंज को लेके विदिशा में इंक्लूड कर दिया, ठीक है। तो ये 2 चेंजेस हुए हैं पार्ट बी में, है ना। एक चेंज मतलब 8 डिस्ट्रिक्ट चेंज हुए हैं पार्ट ए में। और पार्ट सी में क्या चेंज हुआ है, अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है, पार्ट सी में कोई चेंज नहीं हुआ है। पार्ट सी जैसा था हमने वैसा का वैसा एग्जैक्ट मध्य प्रदेश में मर्ज कर लिया, ठीक है। तो ये एमपीपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा ऐसा पार्ट था कि जो एज इट इज एमपी के रिओर्गेनाइजेशन के टाइम पे एमपी में मर्ज हो गया, तो कौन सा पार्ट था वो? वो था पार्ट सी हमारा, है ना। विंध्य प्रदेश में, जो विंध्य प्रदेश था हमारा जिसकी कैपिटल रीवा थी, उसमें क्या करा है हमने कि उसको हमने एज इट इज मर्ज कर लिया। और बीच का जो भोपाल था वो भोपाल तो था ही, ठीक। और हमको ये भी याद रखना है कि 1956 में जो मध्य प्रदेश फॉर्म हुआ था तो उसकी कैपिटल क्या थी, भोपाल थी, ठीक है। कैपिटल क्या थी इसकी, भोपाल, है ना। और हमें ये भी याद रखना है कि फजल अली कमीशन ने भोपाल कैपिटल नहीं प्रपोज करी थी, फजल अली कमीशन ने तो कहा था कि आप जबलपुर को कैपिटल बनाइए, ये जो हमारा जबलपुर है ये देखिए, ठीक है, इसको कैपिटल बनाइए। पर जवाहरलाल नेहरू ने बोला कि नहीं, भोपाल मस्ट बी इट्स कैपिटल, ठीक है, इसीलिए भोपाल को कैपिटल बनाया गया था, ओके, ठीक है। नाउ आई रेज इट। उसके बाद अब हम नेक्स्ट ईयर देखेंगे कौन सा अगला ईयर। हाँ, एक और चीज़ देख लेंगे कि मध्य प्रदेश 1956 में तब बना था ना, उस टाइम पे, अब इसके पास एक्सक्लूड इंक्लूड करने के पास कितने, अब इसके पास जिले बचे और कितने डिविजन्स बचे थे ये देख लेंगे हम। तो इसके पास थे 43 डिस्ट्रिक्ट और 7 डिविजन्स, ठीक है। इनके साथ मध्य प्रदेश 1 नवंबर 1956 को बना, ठीक है। अब नेक्स्ट ईयर कौन सा आया हमारा, नेक्स्ट ईयर आया हमारा 1972, ठीक है। 1972 आ गया। 1972 में क्या हुआ है बताएं, पता होगा सबको कि भोपाल बना है, 2 डिस्ट्रिक्ट बने थे, कौन कौन से 2 डिस्ट्रिक्ट बने थे, भोपाल और हमारा राजनांदगांव। राजनांदगांव को हम क्यों ज़्यादा याद नहीं रखते हैं, क्योंकि राजनांदगांव हमारा तो छत्तीसगढ़ 2000 में डिवाइड हुआ तो उसके पास चला गया था, ठीक है। हमको याद क्या रखना है, भोपाल, ठीक है, तो भोपाल याद रखते हैं, ठीक है। भोपाल, और हाँ, इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि हमने देखा था ना कि 1956 में जब मध्य प्रदेश बना था तो इट्स कैपिटल भोपाल, है ना, ऐसे मध्य प्रदेश का फॉर्मेशन हुआ था ना विद इट्स कैपिटल भोपाल। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि भोपाल तक कैपिटल तो बना दिया गया था, लेकिन भोपाल वॉज नॉट अ डिस्ट्रिक्ट दैट टाइम। भोपाल क्या था, भोपाल जो ये सीहोर है इसके बगल में, इसका एक तहसील था। तो भोपाल इंडिपेंडेंट डिस्ट्रिक्ट का बना है 1972 में, है ना। और प्रॉपर अगर हम डेट देखें तो 2 अक्टूबर,
1972 को, ठीक है, 2 अक्टूबर 1972 को बना था भोपाल डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, ये हो गया 1972 में दो डिस्ट्रिक्ट बने, भोपाल राजस्थान का और 2 अक्टूबर 1972 को बना है, ठीक है। अब दूसरा ईयर कौन सा आ गया, 1980। 1980 में क्या हुआ है, 1980 क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि देखिए हम डिविजन्स का तो नहीं देख रहे हैं कि कौन से ईयर में कौन सा डिवीजन बना है, लेकिन 1980 की में दो डिविजन्स फॉर्म हुए ये हमको देखने हैं, ठीक है, कौन कौन से, चंबल पता ही होगा आपको चंबल कौन सा रीजन है, और होशंगाबाद, ठीक है, ये दो डिविजन्स बने थे, है ना, 1980 में। ये हमको क्यों याद रखना है, क्योंकि होशंगाबाद का फॉर्मेशन तो 1980 में हुआ है, होशंगाबाद एज अ डिविजन नॉट अ डिस्ट्रिक्ट, है ना, ये जो होशंगाबाद है ये वाला रीजन है ना, होशंगाबाद हरदा बैतूल देखने को मिलता है आपको, ये वाला जो रीजन है ये डिवीजन जो था 1980 में बना है, लेकिन होशंगाबाद का नाम चेंज हुआ है ना नर्मदापुरम, वो कब हुआ था, वो हुआ था 2008 में। ये बच्चे बहुत गलती कर देते हैं, उनको लगता है कि 2008 में नर्मदापुरम नाम चेंज हुआ तो शायद 2008 में बना होशंगाबाद, पर नहीं, होशंगाबाद फॉर्म हो गया था एज अ डिवीजन 1980 में, 2008 में उसका सिर्फ नाम चेंज हुआ है, ठीक है, याद रखना है हमको, ओके। उसके बाद हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट ईयर कौन सा ईयर आ गया, अब हमारा 1998, ठीक है, 1998 क्यों इम्पोर्टेंट है सबको पता होना चाहिए, तो 1998 में दो कमिटीज बनी हैं, ठीक है, दो कमिटीज कौन कौन सी बनी हैं, बी आर दुबे एंड सिंहदेव कमेटी, ठीक है, दो कमिटीज बनी हैं, क्यों बनी थी ये कमिटीज, डिस्ट्रिक्ट फॉर्म करने के लिए ही इन कमिटीज का फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है, बी आर दुबे कमेटी ने कितने डिस्ट्रिक्ट रिकमेंड करे हैं, 10, और सिंहदेव कमेटी ने कितने डिस्ट्रिक्ट रिकमेंड करे थे, 6। अभी हमारे पास हमने देखा था 1956 में जब मध्य प्रदेश बना था तो 43 डिस्ट्रिक्ट के साथ बना था, ठीक है, अब +10 और +6 कर देंगे कितना हो जाएगा, 61 डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, तो 1998 में मध्य प्रदेश के पास कितने डिस्ट्रिक्ट थे, 61। ये कैलकुलेशन हमको याद रखना है, क्योंकि एमपीपीएससी इज अ वेरी फैक्चुअल पेपर, आपसे प्री में ये क्वेश्चन भी बहुत ऑब्वियसली पूछा जा सकता है कि 1998 के समय पर मध्य प्रदेश में कितने जिले थे, या फिर 1980 में कितने जिले थे, या फिर 1956 में कितने जिले थे, ठीक है, तो ये कैलकुलेशन हमको याद करते चलना है। अब आया है दूसरा ईयर 2000, 2000 में क्या हुआ है, एवरीवन न्यूज़ दैट कि हमारा रीऑर्गेनाइजेशन हुआ है, हम इसको कह सकते हैं, ठीक है, कि फिर से मध्य प्रदेश ऑर्गेनाइज हुआ है, कैसे हुआ है, हमने ये प्रीवियस स्लाइड में देखा था कि 2000 में मध्य प्रदेश जो था वो उसका जो साउथ ईस्टर्न पार्ट दैट इज नाउ छत्तीसगढ़ एट प्रेजेंट, वो इससे अलग होकर एक सेपरेट स्टेट बना था, और मध्य प्रदेश जो पहले ए सबसे एरिया वाइज सबसे लार्जेस्ट स्टेट माना जाता था, उसकी रैंक चेंज होकर सेकंड लार्जेस्ट स्टेट हो गई थी अकॉर्डिंग टू एरिया, ठीक है, तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का डिवीजन हुआ था, कब, सेम डेट सेम रहेगी, 1 नवंबर 2000 को, ठीक है, तो 2000 को हम कह सकते हैं कि हमारा दूसरा स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था, ठीक है। अब छत्तीसगढ़ अलग हुआ है तो कितने डिस्ट्रिक्ट्स को लेकर और कितने डिस्ट्रिक्ट्स को और कितने डिविजन्स को लेकर अलग हुआ था, तो हमको देखना है कि 16 डिस्ट्रिक्ट और 3 डिविजन्स को लेकर हमारा छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से के ये साउथ ईस्टर्न पार्ट से अलग हुआ था, ठीक है, ये याद रखना है हमको, ओके, कब, 2000 में। अब मध्य प्रदेश के पास कितने डिस्ट्रिक्ट बचे थे, अब मध्य प्रदेश के पास अब कैलकुलेशन देखेंगे तो सिर्फ 45 डिस्ट्रिक्ट बचे थे, ठीक है, और 9 डिविजन्स बचे थे, बीच में डिविजन्स भी और फॉर्म हुए थे, हमने देखा नहीं है क्योंकि डिविजन्स आर नॉट मैंडेटरी, उनकी डेट्स उनके ईयर्स इतने मैंडेटरी नहीं है, और ये कमीशन तो आपने देखी थी, इन कमीशन के डेट्स तो नहीं है, लेकिन मई जून है, ठीक है, मतलब मई में ये वाली कमीशन बनी थी और जून में सिंहदेव कमेटी बनी थी, ये याद रख लेंगे अपन, है ना, उसके बाद इरेज कर देंगे, काफ़ी कम स्पेस है यहाँ पर। अब 2003, 2003 आ गया हमारा दूसरा ईयर, 2003 में क्या हुआ है देखेंगे, 2003 में क्या हुआ बताएं, 2003 में फिर डिस्ट्रिक्ट बनेंगे, है ना, अब तो क्योंकि हम मेजोरिटी डिस्ट्रिक्ट का फॉर्मेशन ही देख रहे हैं कि जिले कौन से कब बने हैं, ठीक है, तो 2003 में अगर हम डेट वाइज देखें तो डेट वाइज देख लेंगे कि 15 अगस्त 2003 को क्या हुआ है, वैसे तो 2003 में 3 डिस्ट्रिक्ट
जिले बने थे, ठीक है। लेकिन अगर हम डेट वाइज देखें तो पंद्रह अगस्त 2003 को क्या हुआ है, तीन जिले बने हैं, ठीक है। कौन कौन से तीन जिले बने हैं यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ, है ना, यहाँ पे मैप में मैं आपको मेंशन करके बता देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ ईयर डेट लिख देती हूँ कि 15 अगस्त, ठीक है। 15 अगस्त 2003 को तीन नए डिस्ट्रिक्ट बने थे, कौन कौन से बने थे, अशोकनगर, अनूपपुर और बुरहानपुर। वेन आई वॉज अ स्टूडेंट तो हमको एक ट्रिक बताई गई थी कि अशोक और अनूप बूढ़े हो गए हैं, सो ये ट्रिक हमको भी याद है, तो आई सजेस्ट यू टू रिमेंबर दिस ईयर विद दिस ट्रिक ओनली, ओके। तो अशोकनगर कहाँ है हमारा, ये देखिए गुना है, गुना के पास क्या है हमारा, अशोकनगर। तो गुना से अलग होकर हमारा अशोकनगर बना है, ठीक है। उसके बाद हमारा अनूपपुर कहाँ है, ये हमारा अनूपपुर है, शेड्यूल से अलग होकर हमारा अनूपपुर बना है। उसके बाद बुरहानपुर कहाँ है हमारा, बुरहानपुर सबसे नीचे है, बुरहानपुर हमारा क्या बना है, खंडवा से अलग होकर एक नया जिला बना है, ठीक है। समझ आया, ये तीनों डिस्ट्रिक्ट बने हैं कहाँ कहाँ किस किस से अलग होकर, ये भी याद रखना है, ठीक है। अशोकनगर गुना से, अनूपपुर शहडोल से और हमारा बुरहानपुर खंडवा से। तो 2003 में ये नए डिस्ट्रिक्ट बन गए हैं, 45 + 3 कर दीजिए, ऐसे कैलकुलेट करते ही चलिए, ठीक है। अब आ गया है दूसरा ईयर 2008, 2008 में क्या हुआ है, 2008 में फिर दो नए जिले बने हैं, ठीक है। दो नए जिले कौन कौन से बने, इसमें डेट देखनी है हमको, ठीक है। इसमें डेट कौन कौन सी है, इसमें डेट है 17 मई और 24 मई, ठीक है। तो 17 मई 2008 को कौन सा जिला बना है, दो जिले बने थे कौन कौन से, ठीक है। देख लेंगे हम, ओके। हाँ जी, तो 17 मई को क्या हुआ है, 17 मई 2008 को हमारा, 2008 में दो नए जिले मैंने, कौन कौन से, सिंगरौली और अलीराजपुर, ठीक है, अलीराजपुर और सिंगरौली, ठीक है। दो डेट्स हैं 17 मई और 24 मई, ठीक है। तो 17 मई को अलीराजपुर बना है, 24 मई को सिंगरौली बना है ना, 2008 में, सेम ईयर, ठीक है। तो ये हुआ है, ठीक है। अब हम देखेंगे यहाँ पर मैप में, अगर हम देखें तो अलीराजपुर कहाँ है, झाबुआ से अलग होकर अलीराजपुर बना था। अलीराजपुर कहाँ है, ये है हमारा अलीराजपुर, ये झाबुआ से अलग होकर बना है, ये झाबुआ है हमारा ब्लू कलर में, ठीक है। और सिंगरौली कहाँ है, सिंगरौली ये है हमारा, है ना, ईस्टर्न साइड है, बहुत मध्य प्रदेश का ईस्टर्न पॉइंट कह सकते हैं। सिंगरौली कहाँ से अलग होकर बना है, सीधी से अलग होकर जिला बना था, ठीक है। तो 2008 में दो नए जिले बने हैं, तो 45 + 3 + 2 ऐसे कर करके कैलकुलेट करते चलना है हमको, ठीक है। इसको मैं इरेज कर देती हूँ, काफ़ी हॉटस्पॉट हो चुका है। अब हमारा तीसरा, तीसरा नहीं मतलब सीक्वेंस से पता नहीं है, तो अब हमारा अगला ईयर कौन सा आया है, 2013। 2013 में क्या हुआ, 2013 में फिर एक जिला बना है, सिर्फ एक जिला बना है, कौन सा जिला बना है बताएं। 2013 में हमारा सबसे लेटेस्ट, नॉट लेटेस्ट, फिर से 2018 में एक और बन गया है, तो 2013 में बना था आगरमालवा, है ना, 51, है ना, इसका नंबर क्या था, 51 डिस्ट्रिक्ट ऑफ, 51st डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। आगर मालवा किससे अलग होकर बना था, शाहजहाँपुर से अलग होकर बना था आगर मालवा 2013 में, ठीक है। और इसमें हमको याद रखनी है डेट, 16 अगस्त को बना था, ठीक है। 16 अगस्त 2013 को बना है आगर मालवा हमारा, किससे अलग होकर, शाहजहाँपुर से अलग होकर, ठीक है। उसके बाद अब आ गया है हमारा 2018, 2018 को क्या हुआ, लेटेस्ट चेंज हुआ है डिस्ट्रिक्ट में अगर हम देखें तो, ठीक है। 2018 में इसमें हमें डेट बहुत ही अच्छे से याद रखनी है, क्योंकि बहुत ही रिसेंट की डेट है, 1 अक्टूबर 2018 को क्या बना है हमारा, निवाड़ी, ये देखिए बुंदेलखंड में दिख रहा है, ये निवाड़ी बना है टीकमगढ़ से अलग होकर, ठीक है। तो ये हमारा 52nd डिस्ट्रिक्ट और लेटेस्ट फॉर्म डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। तो हमको याद रखना है ये पूरा कोर्स, ठीक है। देख लिया है आपने, आया समझ, बहुत ही गंदा सर्कल बनाया है, नो दैट, सॉरी, ओके। तो ये मेजर इंपॉर्टेंट ईयर्स हैं, अगर हम फिर से एक बार रिकॉल करें देख लेंगे तो 1946 में क्या था, 1946 में एमपी वाज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स एंड भोपाल वाज द इंडिपेंडेंट स्टेट। 1953 में हम पार्ट्स भी देख लेंगे, 1953 में कमीशन बना, 55 में उसने अपनी रिकमेंडेशन दी, कौन सा कमीशन, फजल अली कमीशन, उसके कौन कौन मेंबर्स थे, हृदयनाथ कुंजरू और के एम पनीकर, थ्री मेंबर कमीशन था। 1956 में क्या हुआ, उस कमीशन ने रिकमेंडेशन दी
उन रिकमेंडेशन के बेसिस पे स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट बना, और उस एक्ट के बेसिस पे मध्य प्रदेश का फॉर्मेशन हुआ कब, 1 नवंबर 1956 को। फिर 1972 आ गया। 1972 में क्या हुआ, 1972 में दो नए जिले बने। क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि भोपाल जिला बना था, राजनांदगांव तो छत्तीसगढ़ में चला गया, तो इसको हम स्किप भी कर सकते हैं। फिर आ गया 1980। 1980 में क्या हुआ, 1980 में दो नए डिविजन्स बने, कौन कौन से, चंबल और होशंगाबाद, ठीक है। 1998, 1998 में क्या हुआ, दो कमिटीज आई, कौन कौन सी, बीआर दुबे एंड सिंहदेव कमेटी, ठीक है। इन दो दोनों कमिटीज ने 10 और 6, है ना, इतने डिस्ट्रिक्ट्स रिकमेंड करे इनका फॉर्मेशन, तो हमारे कितने 16 नए डिस्ट्रिक्ट्स बन गए। 2000 आया, फिर 2000 में क्या हुआ, 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश का फिर से रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, ठीक है। तो मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हो गया। 2003 में क्या हुआ, 2003 में ये हुआ कि 2003 में तीन नए जिले बने, कौन से, अशोक, अनूप और बुरहानपुर, अशोकनगर, अनूपपुर और बुरहानपुर, है ना। उसके बाद 2008 आया, 2008 में दो नए जिले बने, अलीराजपुर और सिंगरौली। फिर 2008 में, हाँ मैं ये चीज़ मेंशन करना भूल गई, आप लोग ये प्लीज़ फिर से एड ऑन कर दें कि 2008 में दो नए जिले तो बने ही, उसके साथ दो चीज़ें और हुई थी इसमें, ठीक है। कौन कौन सी दो चीज़ें और हुई हैं, एक शहडोल डिवीजन बना है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शेड्यूल इज द लेटेस्ट फॉर्म डिवीजन एंड इट इज द स्मॉलेस्ट डिवीजन एरिया वाइज, ये भी याद रख लेंगे साथ में ही, तो शेड्यूल याद रखना है हमको। और एक और चीज़ क्या हुई थी, जो हमने 1980 में देखा था ना, होशंगाबाद बना था, उसका नाम चेंज हुआ है, नर्मदापुरम, ठीक है। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है, 2008 दो दो नए जिले बने हैं और दो चीज़ ये हुई है, शेड्यूल डिवीजन बना है और होशंगाबाद डिवीजन का नाम चेंज हुआ है नर्मदापुरम। फिर 2013 में क्या हुआ है, 51 डिस्ट्रिक्ट बना है मध्य प्रदेश का, कौन सा, आगर मालवा, किससे अलग होकर, शाजापुर से अलग होकर। 2018 आया है, 2018 में क्या हुआ है, हमारे लेटेस्ट डिस्ट्रिक्ट बना है निवाड़ी, किससे अलग होकर, टीकमगढ़ से अलग होकर, ठीक है। तो ऐसे मध्य प्रदेश का फॉर्मेशन हुआ और आज मध्य प्रदेश 52 डिस्ट्रिक्ट और 10 डिविजन्स के साथ एरिया वाइज सेकेंड लार्जेस्ट स्टेट है इंडिया का, ठीक है। तो ये हमको अच्छे से याद रखना है। आगे की स्लाइड पे चलेंगे तो मैंने कुछ एडिशनल चीज़ें ऐड की हुई हैं, जैसे कि आपको देखने को मिलेगा, ये देखिए, रीजन्स फॉर द डिवीजन ऑफ मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़, ये मैंने बहुत ही एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, ऐसी भी नहीं है, मीन्स में आंसर आ भी सकता है, बट इन जनरल यू शुड हैव दिस नॉलेज कि 2000 हमने देखा था ना कि 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का डिवीजन हुआ था। तो क्यों डिवीजन हुआ था ये हमने कभी नहीं सोचा है, ये हार्डली बुक्स में भी मेंशन नहीं होता है, इसीलिए ये हमें एक एज अ आंसर, मीन्स का आंसर 11 नंबर क्वेश्चन आया या 5 नंबर में ये क्वेश्चन आया, तो हम देख सकते हैं ये चीज़, ठीक है। कि जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का डिवीजन, जो अराउंड पूरा अगर कंबाइंडली हम देखें तो अराउंड 4000 और 4400 काइंड ऑफ आई डोंट नो द एक्चुअल फिगर, बट इतना ही आसपास कुछ उसका एरिया है। तो इतना बड़ा एरिया था, इतना बड़ा स्टेट था, उसका डिवीजन आखिर हुआ क्यों। देखिए वैसे तो अगर हम देखें तो कह सकते हैं, जैसे कि 1857 का रिवॉल्ट था, तो उसमें थे तो बहुत सारे रीजंस, पर इमीडिएट कॉज हमने वो देख लिया था कि मेरठ का जो रिवॉल्ट हुआ था कैंटोनमेंट में, वो वाला हम उसको मानते हैं। ऐसे ही सेम इसमें भी हुआ था, रीजंस बहुत सारे थे, लेकिन जो हमने ऑफिशियल रीजन दिया है वो तो एडमिनिस्ट्रेटिव इनकन्वीनियंस दिया है, लेकिन जो मेजर रीजन अगर हमको देखने को मिलता है तो वो था पॉलिटिकल राइवलरी, ठीक है। वो हमको लिखना नहीं है आंसर में, इसीलिए मैंने वो सबसे नीचे भी लिखा हुआ है, और उसमें ज़्यादा मैंने डिटेल भी नहीं मैंशन करी है, क्योंकि ये हमको मैंशन नहीं करना है ना। वी आर नॉट सपोज एज अ सिविल सर्वेंट, वी आर नॉट सपोज टू राइट दीज काइंड ऑफ लाइक कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक्स, है ना। तो जो अजीत जोगी और दिग्विजय सिंह थे, इन जनरल मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ, जस्ट हैव दिस नॉलेज ओनली, ओके, कि जो अजीत जोगी और दिग्विजय सिंह उस टाइम पे कांग्रेस के जो दो फिगर्स थे, उन दोनों के बीच राइवलरी थी रिगार्डिंग मिनरल रिसोर्सेज एंड वेरियस अदर थिंग्स, दैट्स एमपी वाज डिवाइडेड इनटू, है ना, ये वाला डिसीजन लिया गया था। तो अगर हम देखें पहले टॉप पहले पॉइंट से ही देखते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव इनकन्वीनियंस, तो देखिए इसमें नीचे क्या लिखा हुआ है कि गवर्निंग सच अ ह्यूज स्टेट पोस्ट ह्यूज एडमिनिस्ट्रेटिव डिफिकल्टीज, द डिस्टेंस बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द स्टेट वॉज अराउंड 1500 किलोमीटर, ठीक है। आपको देख रहे हैं ना, एक ये एंड माने अगर आप इसका नॉर्थ और एक्सट्रीम नॉर्थ और एक्सट्रीम साउथ, तो इसके एरिया का जो बीच का डिस्टेंस था ये वाला अराउंड 1500 किलोमीटर था। तो एडमिनिस्ट्रेटिव इनकन्वीनियंस तो वॉज अ वेरी ऑब्वियस रीजन, ठीक है।
हाँ, और भी हमको देखने को मिलता है कि हमको पता है कि एमपी का जो भोपाल कैपिटल है, दैट इज भोपाल, सेंट्रल में लोकेटेड है, आज भी लोकेटेड है। तो तब अगर हम देखें तो ये भी तो एमपी था ना, तो इसके लिए तो ये सेंट्रल नहीं था, है ना, इसके लिए दिस वॉज नॉट द सेंटर। तो अगर यहाँ पे जितने भी ऑफिसेज होते थे, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस एंड वेरियस अदर थिंग्स, उनको यहाँ तक रिपोर्ट करने में या फिर परमिशंस लेने में, कुछ भी चीज़ों में देर वॉज अ इनकन्वीनियंस ऑब्वियसली। तो कह सकते हैं कि कैपिटल का इस कोर एरिया से दूर होना भी वन ऑफ द रीजन टू डिवाइड एमपी, है ना, बिटवीन टू स्टेट्स, एमपी एंड छत्तीसगढ़। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे एनर्जी शेयरिंग। देखो, दिस वॉज द मेजर रीजन, क्योंकि हमको पता है कि छत्तीसगढ़ इज द पार्ट ऑफ छोटा नागपुर प्लेटू, तो ये मिनरल मिनरल रिच रीजन है, आज भी है। बहुत एनर्जी रिसोर्सेज अगर हम देखें तो यहाँ पे बहुत रिच है, कोल वगैरह। तो उस टाइम पे क्या होता था, ये देखिए नीचे जो अजीत जोगी है उनका कोट है, ये आप कोट ना करें, आए हो, अगर कोट करें भी तो डोंट मेंशन हिज नेम एटलीस्ट, है ना, कि ही इज़ अ पॉलिटिशियन ऑब्वियसली, तो वी आर नॉट सपोज टू डू दैट। तो देखिए, बट ये कोट वॉज वेरी गुड, दैट्स आई मेंशन इट, कि द पैराडॉक्स ऑफ दिस स्टेट, मतलब आप इसका भाग या फिर दुविधा देखिए इस स्टेट की, छत्तीसगढ़ के बारे में बता रहे हैं कि इज दैट इट इज़ द रिचेस्ट इन इंडिया इन नेचुरल रिसोर्सेज, बट इट्स पीपल आर द पुअरेस्ट, है ना। तो मतलब ये यही कहना चाह रहे हैं कि ये वाला जो रीजन था छत्तीसगढ़ का एनर्जी रिसोर्सेज में, ये वाला रीजन बहुत रिच था, लेकिन इसके लोग बहुत पुअर थे। क्यों? क्योंकि क्या होता था कि जो स्टेट गवर्नमेंट क्या करती थी, यहाँ से सारे मिनरल्स और सारी चीज़ें एक्सट्रैक्ट करके उनका जो मेजर फोकस रहता था, सेंट्रल जो मेजर ये वाला जो कोर एरिया था, कह सकते हैं कि इस वाले एरियाज में रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूट करते थे, बट जो ये वाला एरिया था ना, ये ओवर शेडो हो जाता था। तो यहाँ की पॉपुलेशन जो रिसोर्सेज यहाँ से एक्सट्रैक्ट होते थे, वो तो अवेल ही नहीं कर पाती थी। ठीक है, इसीलिए दिस वॉज ऑल्सो अ बिग रीजन टू डिवाइड छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश। ठीक है, पॉलिटिकल राइवलरी मैंने आपको बता ही दिया है, तो दीज वर दी रीजन्स। ठीक है, और फिर 10 मध्य प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2000 वॉज इनेक्टेड, इनेबलिंग द क्रिएशन ऑफ छत्तीसगढ़ विथ 16 डिस्ट्रिक्ट एंड 3 डिविजन्स आउट ऑफ मध्य प्रदेश ऑन 1 नवम्बर 2000 विथ रायपुर एज इट्स कैपिटल। ठीक है, ये तो पता ही है, तो एज अ आंसर इसको हम इस तरीके से भी कंक्लूड कर सकते हैं। ओके, उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड चलेंगे, तो नेक्स्ट स्लाइड में विल सी कि हाँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मैंने सिर्फ एक ही क्वेश्चन, सिर्फ लास्ट ईयर का क्वेश्चन, मतलब 2020 मेंस में जो आया है, सिर्फ वही मेंशन किया है। 5 नंबर में कौन सा क्वेश्चन आता है, डिस्क्राइब द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ मध्य प्रदेश। देखिए, बहुत ही सीधा सीधा क्वेश्चन आ गया है, प्रीलिम्स में भी हमें इसके बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं कि कौन सा जिला कब किस डेट को बना है, किससे अलग होकर बना है ना, ये सारी चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं। और ये तो रीऑर्गेनाइजेशन वाला बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है, तो इसमें आप, इसीलिए हमको रीऑर्गेनाइजेशन पढ़ना था। और इस आंसर को आप, इस क्वेश्चन को आप कैसे फॉर्म कर सकते हैं 5 नंबर में, रीऑर्गेनाइजेशन जितना मैंने पढ़ाया है, ये तो आप अगर पूरा लिखने जाएंगे तो 11 नंबर से भी ज़्यादा में हो जाएगा। ठीक है, दिस वॉज अ लाइक अ बिग बिग टॉपिक, बट अगर आपको 5 नंबर में लिखना है, तो आपको कौन सी चीज़ें एक्सक्लूड करनी है, इंक्लूड करनी है, ये आप देखें। देखिए, 5 नंबर में मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगी कि गो फॉर अ मैप, एटलीस्ट छोटा सा मैप मध्य प्रदेश का हो तो इट इज़ बेनिफिशियल, लेकिन जगह नहीं होती है पेपर में तो यू कैन स्किप इट ऑल्सो, है ना, क्योंकि डेटा ज़्यादा है हमारे पास। तो हम बता दें कि 1947 में मध्य प्रदेश 3 पार्ट्स में डिवाइडेड था, ये तो हमको बताना ही पड़ेगा। फिर हम सीधा आ जाएंगे 1956 में, कि मध्य प्रदेश बन गया इन तीनों पार्ट को मर्जर करके। उसमें हम ये नहीं बताएंगे कौन से डिस्ट्रिक्ट एक्सक्लूड हुए, इंक्लूड हुए, क्योंकि इट विल लाइक इट विल टेक टाइम ऑल्सो, और हमारे पास इतनी जगह भी नहीं होती है अब तो। ठीक है, उसके बाद हम सीधा आ जाएंगे 2000 में। ठीक है, सारे ईयर्स नहीं मैंशन करने कि, है ना, मध्य प्रदेश वॉज डिवाइडेड, है ना। उसके बाद हम सीधा डिस्ट्रिक्ट बता देंगे थोड़े थोड़े इंपॉर्टेंट, है ना, डिस्ट्रिक्ट होपफुली ज़्यादा नहीं है, लेकिन हम बता देंगे कि इस ईयर में ये बना है ना। 1998 वाले डिस्ट्रिक्ट भी बताने हैं हमको, जो 16 डिस्ट्रिक्ट बने थे, है। उसके बाद सीधा आ जाएंगे 2018 में, बीच के भी बताने हैं। ठीक है, 2018 में आ जाएंगे कि निवाड़ी एज इट्स लेटेस्ट फॉर्म डिवीजन, लेटेस्ट फॉर्म डिस्ट्रिक्ट सॉरी, फ्रॉम टीकमगढ़ वी हैव वी रीऑर्गेनाइज मध्य प्रदेश इन दिस, ऐसे करके हम इसको कंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज द करेक्ट फॉर्मेट, आई होप यू पीपल गॉट इट। ओके, सो वील एंड आर वीडियो है। इसके बाद हम क्या टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जैसे कि हमने देखा था, ये देखिए, अब हम दूसरा टॉपिक हमारी नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे, यूनिट 4 में जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट इन मध्य प्रदेश है, यहाँ यहाँ से हम शुरू करेंगे। ठीक है, वैसे तो ज्योग्राफी स्टार्ट करते हैं यूजुअली मध्य प्रदेश की आफ्टर फॉर्मेशन, लेकिन हम पेपर वाइज चल रहे हैं। ठीक है,
तो बेटर है कि क्लैरिटी रहे और हमारे पेपर के सारे टॉपिक्स भी कवर होते चले, ठीक है? इसीलिए हम दूसरा टॉपिक कौन सा स्टार्ट करेंगे, इंडिपेंडेंस मूवमेंट इन मध्य प्रदेश। ओके, सो होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।